हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और यूपीएससी सी सेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। और मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा लॉजिकल होता है, अगर आपका क्लियर है पॉइंट तो उसमें आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो अभी आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? ए मिल्कमैन परचेज द मिल्क एट रुपीज एक्स पर लीटर। एक मिल्कमैन है, उसने क्या किया कि एक्स रुपीज पर लीटर के हिसाब से कुछ मिल्क खरीद लिया, ठीक है, एंड सेल इट एट 2x पर लीटर, मींस डबल प्राइस के अंदर उसको सेल कर दिया। x के हिसाब से खरीदा, 2x पे उसको सेल कर दिया, ठीक है। स्टिल ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क के अंदर वो क्या कर रहा है, 2 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो अब देखो, 6 लीटर उसने मिल्क परचेज किया, ठीक है, कितने रुपए का किया होगा? एक्स पर लीटर, दैट मींस कि कितने का हो गया, 6x रुपीज का, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके अंदर 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, दैट मींस कि उसके पास में टोटल कितना मिल्क हो गया, 8। बट जो वाटर है, वाटर तो हमें पता है क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो कितना है, 0 रुपए का वाटर ऐड कर दिया, दैट मींस कि जो 8 लीटर मिल्क हो गया हमारे पास में, जो उसके पास जो मिक्सचर था जिसको उसने सेल किया है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 6x होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर है? भी 6 लीटर के साथ में वो 2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 6 लीटर उसने प्योर मिल्क लिया 6x रुपीस में, उसने कहा है कि भी 6x के हिसाब से उसने खरीदा है, उसने उसके साथ में 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, कितने का, 0 रुपए का, दैट मींस कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 8 लीटर, और 8 लीटर उसको 6x रुपीस का पड़ा। अब उसने साथ में कह रहा है कि बेच के हिसाब से रहा है वो 2x रुपीस के हिसाब से, दैट मींस कि 8 लीटर मिक्सचर उसने जब सेल किया है तो सेल किस हिसाब से किया है, हां जी, सेल किस हिसाब से किया उसने, 2x के हिसाब से, दैट मींस कि अब यहां पे कितना था, 8 लीटर है और उसने 2x के हिसाब से उसको सेल किया, दैट मींस कि कितने रुपए का सेल किया उसने, हां जी, 16x रुपीज का सेल किया, 16x रुपीज का सेल किया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया एक तरह से उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया बेटा उसका सेलिंग प्राइस, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10। यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 10x का प्रॉफिट हो गया 8 लीटर पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, 10x डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना उसके पास, 6x इंटू 100। ओके, कितना आ गया ये आपके पास में, 500 बाई 3, कितना आ गया, 100 बाई 3। मैंने क्या कहा आपको, जब हम सी सेट की बात कर रहे हैं उस केस के अंदर देखो क्वेश्चन क्या, बिल्कुल इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भाई उसने 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, दैट मींस कि फ्री की कोई चीज उसने ऐड कर दी है जिसका हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा, मींस कि जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्टिंग तो उसकी 6x ही रहेगी, 8 लीटर की भी कॉस्टिंग कितनी रहेगी, 6x ही रहेगी। बट जब वो बेच रहा है तो मिक्सचर बेच रहा है ना, प्योर तो नहीं बेच रहा, मिक्सचर बेच रहा है, जब वो मिक्सचर सेल कर रहा है तो उस केस के अंदर मिक्सचर कितने का सेल किया उसने, 16x का सेल किया। डन, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे साथ साथ सोल्व करो आप खुद भी, खुद खुद सोल्व करते हुए चलना है सभी ने। देखो क्या है, ए शॉप्स प्राइस इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट इट अलाउज कस्टमर 12% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ देयर बिल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्राइस है उसको 20% ज्यादा कर रहा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, कस्टमर को दे रहा है 12% का कमीशन, 12% का
कमीशन दे रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो रेशियो मेथड लगा लो, ठीक है, एक आप 100 के हिसाब से कर लो, दोनों ही इजी है। रेशियो का ध्यान रखो, अगर आपके पास डिस्काउंट गिवन है इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ओके, अगर आपके पास प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन है मींस यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डन। तो यहां पे आपके पास क्या गिवन है, एक शॉप कितना है 25% अबव कॉस्ट प्राइस से कह रहे हैं, मींस कि अगर उसके पास में कॉस्ट प्राइस है 100, दैट मींस कि वो कितना मार्क कर रहा है उसके ऊपर 125 मार्क कर रहा है, 25% ज्यादा मार्क कर रहा है। साथ में क्या कह रहा है, 12% का कमीशन दे रहा है, कमीशन दे रहा है दैट मींस कि कितने का बेचा उसने, 12% लेस में बेचा, दैट मींस कि 88/100 में बेचा, 88% के अंदर दिया उसने, 12% तो कमीशन हो गया ना, कमीशन दैट मींस कि डिस्काउंट। देन तो उसको कितने का पड़ा, तो ये यहां पे अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास में 125 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 और 400 हो गया बेटा जी, 110 रुपए में बेचा उसने, मीन 100 का जो प्रोडक्ट था वो उसने कितने में बेचा, 110 में बेचा। क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 100 का बेचा 110 में बेच, 100 का 110 में बेचा, दैट मींस कि 10 का। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 में से कोई भी वैल्यू का होना क्या होता है, परसेंटेज, मींस कि अगर 100 में से 10 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और यू कैन से 10/100 × 100 कितना हो गया, 10%। ओके, नेक्स्ट देखें, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिसऑनेस्ट डीलर का, डिसऑनेस्ट डीलर कौन सा हो गया, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि हमें कम सामान दे रहा है बेचते टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए डिसऑनेस्ट रिटेलर प्रोफेसेस ए लॉस ऑफ 4% ऑनटी बट यूजेस फॉल्स वेट इक्वल टू 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 किलो की बजाय क्या कर रहा है, 900 ग्राम हमें सामान दे रहा है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 ग्राम 1 रुपए का, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मींस कि 100, वो क्या कह रहा है हमें कि भाई 1000 रुपीज का माल मैं आपको 4% लॉस में दे रहा हूं। क्या कह रहा है मुझे कि मैं आपको लॉस में बेच रहा हूं कितने में, लॉस में बेच रहा हूं, कितने लॉस में, 4% मतलब कितना हो गया 40, दैट मींस कि 960 में बेच रहा हूं। वो कह रहा है क्या, कह रहा है कि भाई 1000 रुपए का माल है, मैं आपको 960 में दे रहा हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, उसने तो हमें ऐसे कहा कि मैं आपको लॉस में बेच रहा हूं, बट एक्चुअल में कर क्या रहा है वो, हमें 1000 रुपए का माल दे ही नहीं रहा, वो क्या कह रहा है, 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, दैट मींस कि हमें 900 रुपए का माल दे रहा है, दैट मींस कि उसने एग्जैक्टली मुझे कितने का सामान दिया, 900 का सामान दिया उसने मुझे, एग्जैक्टली कितने का, 900 रुपीज का सामान दिया है। ओके, तो यही हो रहा है यहाँ पे, मीन्स 900 का सामान कितने में दे रहा है मुझे, 960 रुपीज में। थोड़ा सा सोच को चेंज करो, यहाँ पे ध्यान रखो कि जितने में वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है, जितना मुझे बेच रहा है, जितना कह रहा है कि हाँ जी ये इतना है, वो हो गया उसका एसपी, ठीक है, जितना वो मुझे एग्जैक्टली दे रहा है, एक्चुअल में दे रहा है, वो क्या हो गया उसका सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 60 का प्रॉफिट आ गया, 960 माइनस 60, प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज कितना हो गया, सीपी डिवाइडेड बाय, सॉरी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। ओके, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, दैट मींस 20/3, 6 = 2/3%। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज के अंडर ये वीडियो चल रही है, सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ज्वाइन करेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्या है, द सम ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 9300। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सम यहाँ पे हमारे पास गिवन है। If the bicycle is sold at a loss of 6 is to 1/4%, कितना लॉस कह रहा है वो, 6
6:1/4%। कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी इसको अगर ब्रैकेट में लेंगे सॉल्व करेंगे तो कुछ और वैल्यू बनेगी। दिस इज 6:1/4%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास प्रॉफिट और लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज गिवन है, सॉरी, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। तो यहां से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, 6:1/4% का मीनिंग क्या होता है, ये कितना हो गया 24, 25/4। परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स होता है बटा 100। ओके, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में 1/60। क्या किया हमने, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर आपको लर्न है, वेल एंड गुड, नहीं तो 100 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस केस में देखो बेटा, जो रेशियो क्या आती है, ये है गया हमारे पास सीपी। ठीक है, हमेशा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है दैट इज सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट लॉस। अब इस क्वेश्चन में ये क्या है? लॉस है। तो अगर ये लॉस है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, मीन्स 16 का माल उसने 1 लॉस में बेचा, दैट मीन्स कि 15, मीन्स रेशियो ऑफ सीपी एसपी आ गई मेरे पास। सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ गई हमारे पास में, 16:15। ओके, अब साथ में क्वेश्चन में है कि सम गिवन है मेरे पास सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का, सम गिवन है, रेशियो गिवन है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास, 15 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल, कितना आ गया, 4500 रुपए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए फोटोग्राफर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एडवर्टाइज्ड प्राइस। जो भी एडवर्टाइज्ड प्राइस कौन सा होता है, जो मार्क्ड प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, एडवर्टाइज्ड प्राइस, कोई भी वर्ड आपके पास आ सकता है। ठीक है, ऑल दीज आर मार्क्ड प्राइस, एमपी। ओके, ऑफ द कैमरा, द प्राइस दैट मस्ट बी मार्क्ड ऑन द कैमरा विच कॉस्ट हिम 600 टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% वुड बी। कह रहा है कि अगर मान लो, वो कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है और उसको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस के अंदर बताओ कि उसका सीपी कितना होगा, यही है ना। दैट मार्क्ड, द प्राइस दैट मस्ट बी मार्क्ड ऑन द कैमरा विच कॉस्ट हिम, सीपी आपके पास में गिवन है, कह रहा है कि क्या मार्कअप होना चाहिए, तो मार्कअप मीन्स कि मुझे एमपी चाहिए। एक और बात बताते हैं, इसके अंदर आपके पास जो सीपी और एमपी की रेशियो है, अगर सीपी और एमपी में ही क्वेश्चन है, बीच में प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो उस केस में आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीपी एमपी की रेशियो क्या होती है, सीपी बाई एमपी की रेशियो क्या होती है, सीपी एमपी की रेशियो क्या होती है आपके पास में, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, नोट डाउन कर लो, अगर नहीं पता तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है इससे हमारे पास में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपके पास दो मेथड से बताऊंगी बेटा, दो मेथड से करवाऊंगी क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो अब क्या है, सीपी मेरे पास कितना है 600, एमपी मुझे फाइंड आउट करना है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, दैट मीन्स कितना आ गया 90, प्रॉफिट कितना है 20%, दैट मीन्स कितना आ गया 120। ठीक है, 30 90, 30 4 120, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 200, एमपी कितना आ गया आपके पास 800, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। दूसरा तरीका भी है, दूसरा, जब आपके पास में डिस्काउंट गिवन है, मींस यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एसपी एंड एमपी, जब प्रॉफिट गिवन है दैट मींस की रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज करके करवाते हैं, दूसरा मेथड है ना। हाँ जी बेटा, देखो सीपी, एसपी और एमपी, तीनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेथड इसलिए बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे तो आपके पास सीपी गिवन था, कई बार डिस्काउंट गिवन होता है ओनली, कई बार प्रॉफिट गिवन होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई डिफरेंस गिवन होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट जब है तो मुझे पता है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मीन्स दिस इज एमपी
दिस इज डिस्काउंट, तो एस पी कितना आ गया आपके पास में, एम पी से डिस्काउंट को माइनस किया मीन्स 9। ओके, सेम वे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कितना है 20%, 20% मीन्स व्हाट, 1/5, दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट, तो एसपी कितना आ गया आपके पास में 6। क्लियर, तो रेशियो कितनी आ गई, 6 आपकी रेशियो सीपी और एसपी की कितनी आ गई, 5:6। रेशियो एसपी और एमपी की कितनी आ गई, 9:10। ओके, कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ गया, 9:45, 9×6=54, और ये हो गया बेटा आपके पास में 7। क्लियर, अब यहां पे भी अगेन फर्दर आपके पास में कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट कर लो, 15×3=45, 18×3=54, और ये हो गया आपके पास में 20। डन, अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है आपके पास, सीपी गिवन है, सीपी गिवन है कितना 600, दिस इज इक्विवेलेंट टू 600, दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू क्या आ गई, 15×60=40। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 40, दैट मीन्स 800। क्लियर, दोनों में से जो मेथड बेटर लग रहा है आप वो चूज कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड चूज कर लो, दोनों इजी है, दोनों ही इजी मेथड है, एक बार समझ आने के बाद बिल्कुल इजी है। यहां पे क्या कह रही हूं, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600/15, दैट मींस की 40, दैट मींस की 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, इनटू 20। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन वॉच विच कॉस्ट 500 अबोर्ड, अब्रॉड के अंदर 500 का उसको पड़ रहा था, वो यहाँ पे लेके आया, उसके लिए उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी, दैट मींस कि जो दुकानदार है, जो डीलर है, उसको प्रोडक्ट कितने रुपए में पड़ा, कॉस्ट फॉर जो डीलर है, डीलर को कितने में पड़ा 500, और उसको 10% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी, 10% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी, दैट मींस कि कितना हो गया उसको, हाँ जी 110। और आप सीधा भी कह सकते हो भाई 500 का 10% 50 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़े, दैट मींस कि 550 हो गया। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। साथ में कह रहा है ही डिजायर्ड से प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू द बायर, देन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द, अब अगेन इसको उसी तरह से कर सकते हो जैसे अभी हमने किया था ना रेशियो मेथड से, अब वैसे ही इसको कर सकते हो, दो मेथड रेशियो से कर लो चाहे आप 100 से कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो अगर मैं बात करूँ सीपी एसपी और एमपी के, अब यहाँ पे उसने क्या कहा 20% का वो डिस्काउंट चाह रहा है, सॉरी प्रॉफिट चाह रहा है, प्रॉफिट 20%, 20% मीन्स 1/5, ठीक है, तो क्या हो गया सीपी और 1 ऐड कर देंगे तो एसपी 5:6, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा डिस्काउंट चाहिए उसको 25% का डिस्काउंट, दैट मींस कि 1/25% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4, दैट मींस ये हो गया एमपी, ये हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास 3:4। अगर मैं कलेक्टिव रेशियो देखूं तो कलेक्टिव रेशियो कितनी आ गई 15:18:24, 3 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ गया आपके पास 3×6=18, 3×8=24। डन, अब हमें गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दैट मींस कि ये जो वैल्यू है ये 550 के इक्विवेलेंट है, 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी 110 के, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस तो क्या करेंगे 110 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 880। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 880 आ जाएगा। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, बिल्कुल। दूसरा हम देखें तो जो दूसरा मेथड था उससे भी कर सकते हो, देखो बेटा सीपी गिवन है आपके पास में कितना 550, ठीक है, साथ में क्या कह रहा प्रॉफिट 25% का, तो प्रॉफिट है आपके पास 20%, ओके, दैट मींस कि एसपी कितना हो जाएगा,
हाँ जी, तो देखो बेटा एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ गया आपके पास में, एसपी आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना आ गया, 120/100 कितना आ गया आपके पास, 12×5=60, 12×5=60 और 6×6=8, क्लियर। अब हमारे पास में डिस्काउंट गिवन है, तो आप एमपी भी फाइंड आउट कर सकते हो, एमपी कितना आ गया, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट दैट मीन्स कितना हो गया, 75, कितना आ गया, 25 × 75, 25 × 4 = 100 और 3 से अगर मैं करती हूँ तो ये कितना हो गया, 220, दैट मीन्स कि 880। दोनों मेथड बता दिए मैंने आप लोगों को, जो आपको बेटर लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हो, जो आपको बेटर लगता है वो आपको उसको चूज कर सकते हो। ये जो रेशियो मेथड है ये कॉमन मेथड है, ये हर जगह यूज हो जाता है, जिस भी क्वेश्चन में अंदर आपके पास प्रॉफिट लॉस गिवन है और साथ में आपके पास में डिस्काउंट गिवन है तो ये मेथड आप वहां पे यूज कर सकते हो। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द आउटले, व्हाट इज द एडवर्टाइज्ड प्राइस विच ही गेन 6000, कह रहा है 6000 का उसको गेन हो रहा है। देखो अगेन यहाँ पे भी आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, मैंने अभी क्या कहा, दोनों मेथड यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रेशियो से बता रही हूँ, देखो कैसे करेंगे, मैं कह रही हूँ कि भाई सीपी एसपी और एमपी, सीपी एसपी की रेशियो कहाँ से आएगी, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट यहाँ पे कहाँ पे, आपके पास 25% का प्रॉफिट है, दैट मीन्स की 1/4, दैट मीन्स की ये सीपी, ये प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया बेटा 5, कितना आ गया, 4:5 आ गया। अब बात करते हैं एसपीएमपी, एसपीएमपी कैसे निकलेगा, डिस्काउंट से, डिस्काउंट 25% अगेन 1/4, दैट मींस कि ये एमपी, ये डिस्काउंट, तो एसपी कितना आ जाएगा, डिस्काउंट माइनस करेंगे 3, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास में 3:4। कलेक्टिव अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा, आ गया। अब देखो गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है गेन, गेन मींस प्रॉफिट गिवन है, तो यहां पे अगर मैं देखूं प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट कितना है मेरे पास में 3 यूनिट्स। अब ये जो 3 यूनिट्स हैं ये किसके इक्वल गिवन है हमें, 6000 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 / 3, दैट मीन्स 2000। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट करना है यहाँ पे एडवर्टाइज्ड प्राइस, और मैंने अभी क्या बताया था, एडवर्टाइज्ड प्राइस आ जाए या फिर लिस्ट प्राइस आ जाए या फिर आपके पास में मार्क्ड प्राइस आ जाए, सभी सेम है, एमपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या आ गया आपके पास में, 20 है ना, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 2000, दैट मीन्स 40000, डन, तो 40000 विल बी द करेक्ट। बताओ कोई डाउट, क्लियर है, रेशियो मेथड समझ आ गया सभी को, ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो बेटा अगर कोई डाउट आता है, ये जो वैल्यू है इसको यहां पे लिख लिया करो, इस वैल्यू को यहां पे लिख लिया करो, देखो मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 4, ठीक है ना, ये यहां पे 5 आ गया तो ये हो गया 20, डन, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो क्या है, 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, साथ में कह रहा है अगेन 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 120 मोर देन 22% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में भी आ जाता है, डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में भी आ जाता है, एक आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, एक आपके पास में ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी विच स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या मुझे दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी, सिर्फ पहले की हेल्प से ही आप आंसर कर सकते हो। देखो क्या कहा उसने, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यही कहा है। अब उसने रेशियो कैसे फाइंड आउट, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मींस कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस एक साइड रख लो, बाकी एक साइड रख लो, सीपी एसपी इधर से इधर चला गया, एसपी इज इक्वल टू इधर ये रह गया हमारे पास 4%, ये 5 इधर चला गया,
हाँ जी बताओ, कोई डाउट? क्या कह रहा है? 4% ऑफ एस पी, 4% ऑफ एस पी इज इक्वल टू 5% ऑफ सी पी, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सी पी बाई एस पी, सी पी बाई एस पी। ये एस पी इधर चला गया, ये 5 इधर चला गया, डन। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होगी, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 4:5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4:5। रेशियो बेटा, कोई डाउट नहीं? क्लियर है? हाँ जी, ये एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंडर लेक्चर चल रहा है, सभी ने ज्वाइन करना बेटा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, काफी हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक लेक्चर जो जितने भी अभी तक हो चुके, ऑलमोस्ट 40 लेक्चर इसके अंडर में ले चुकी हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो वो आपको सभी विद पीडीएफ मिल जाएंगे, विद पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिनर सेट इज कोटेड 1500, कोटेड 1500, अगेन इसका मीनिंग क्या हो गया? मार्क प्राइस 15, एक कस्टमर पेस 1173, दैट मींस कस्टमर ने इतने दिए, कस्टमर ने इतने दिए। अब कस्टमर कब देगा? आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट। अब साथ में क्या कह रहा है? इफ द कस्टमर गेट्स ए सीरीज ऑफ टू डिस्काउंट्स, दो डिस्काउंट उसको मिले हैं, द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%, पहला डिस्काउंट कितने का? 15% का, एंड देन द रेट द सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखो, जब भी डिस्काउंट दे रहा है, दैट मींस कि जो मार्क प्राइस है वो हर बार उतने ही परसेंट से कम हो रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा क्या आता है, जब पहला डिस्काउंट लग गया तो उसके बाद जो वैल्यू आ गई उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जो कस्टमर है, मार्क प्राइस था उसके पास में 1500 रुपए, 1500 का प्रोडक्ट था, पहला डिस्काउंट दिया उसको कितने का? 15% का, 15% का डिस्काउंट, दैट मींस कि 100 - 15 मींस 85% में उसने उसको बेच दिया। अगर एक ही डिस्काउंट होता तो यही आपका आंसर आ जाता कि भाई इतने रुपए का पड़ा कस्टमर को, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो डिस्काउंट दिए, तो दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता कितने का दिए, हम मान लेते कि भाई 2 रुपीज का डिस्काउंट उसने उसको दे दिया, और कितने का मिला कस्टमर को? 1173 का। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जल्दी सॉल्व करो। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है, 5 3 15, फिर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अभी अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 17 6 102 और 17 9 153, फिर कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 3 2 6 3 3 9, डन। तो क्या आ गई वैल्यू? 100 - d की वैल्यू आ गई बेटा, 4 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया आपके पास? 92। d की वैल्यू क्या आ गई? 100 - 92 मींस 8%। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 8% विल बी द करेक्ट आंसर, 8% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास। ए शॉपकीपर सेल्स राइस 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस। ओके, अब अगेन क्या कह रहा है? वेट यूज कर रहा है लेस, अगेन डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है आपके पास में। अभी मैंने डिसऑनेस्ट डीलर का कंसेप्ट समझाया, मींस जितने में वो मुझे कह रहा है कि मैं इतने रुपए में बेच रहा हूं वो आपका एसपी बन जाएगा, जितना वो मुझे एक्चुअल में दे रहा है वो आपका सीपी बन जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि भाई 1000 ग्राम जब की बात हो रही है, क्योंकि किलो की बात हो रही है, ठीक है, किलो की बात हो रही है, तो उस केस के अंदर हमने ये मान लिया कि भाई 1 ग्राम 1 रुपए का है, दैट मींस कि 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है। उसने क्या कहा? ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट, मींस कि वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं 10% प्रॉफिट में आपको सेल कर रहा हूं, 10% प्रॉफिट मीन 100 रुपए मैं आपसे ज्यादा ले रहा हूं, भाई मैंने भी तो कुछ कमाना है, तो यहां पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई? इतनी, ठीक है। मींस मुझसे कितने पैसे लिए उसने? 1100 रुपए लिए, बट उसने एक्चुअल में मुझे 1000 रुपए का सामान नहीं दिया, क्या किया उसने? एंड यूजेस 30% लेस ऑफ द एक्चुअल मेजरमेंट, मीन जहां पे 1000 का था उसकी जगह पे उसने मुझे 30% लेस दिया, दैट मींस कि 300 ग्राम कम दिया, दैट मींस कि 700 ग्राम दिया,
और 700 ग्राम दैट मींस की 700 का प्रोडक्ट दिया, दैट मींस की 700। तो यहाँ पे बेटा सीपी ये हो गया आपके पास में, एसपी ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर, जब आपके पास सीपी है एसपी है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसको 400 का, किस पे फाइंड आउट करते हैं, सीपी पे। हाँ जी, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14:2/7, तो 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57:1/7% कैलकुलेट करोगे यही वैल्यू आएगी आपके पास। हाँ जी, कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अभी टाइम है आप लोगों के पास सी सेट की प्रिपरेशन के लिए, बाद में आप सारे जीएस के अंदर गेज हो जाने हो कि हाँ जी जीएस पढ़ लेते, बट अभी आपके पास टाइम है, अभी सी सेट को आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सी सेट पे थोड़ा टाइम डेली लगाना है सभी ने कोशिश करो कि हाँ जी डेली 20-30 क्वेश्चंस तो सोल्व करने ही करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आ गया है सभी को, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं सभी को क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा जो पॉइंट है, ये साइड जो है एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज चल रही है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं आप लोगों को, सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इश्यू आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, लाइक प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कोई भी टॉपिक है, पजल्स हो गए, मीन्स क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, एनी वन, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो बेटा। हाँ जी, माइक्रो कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, मीन्स आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक्स अवेलेबल है एक बार सभी एक्सप्लोर करेंगे। कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग, मीन टू वाई कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है सभी यहाँ पे अवेलेबल है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपको सभी कुछ मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक्स अवेलेबल है एक बार सभी ने एक्सप्लोर करने हैं, सभी ने एक्सप्लोर करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना सो दैट कि कोई भी वीडियो अगर आपके आती है तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डन, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।